असल शादा नहीं आएगा भाई, फुल कलरफुल तुमको बोला ब्लैक पेन क्या भाई, देखो ब्लैक ब्लैक ऐसा हसन थोड़ा उधर ही आ जा, हल्का सा सर्कल में। भाई हसनैन भाई भी आ गए और फैज भाई भी आ गए, बस सद्दू भाई नहीं आया। हसनैन भाई बहुत कम आते हैं, दूर रहते हो ना इसके लिए। हसन भाई सोते थोड़ा ज्यादा, लेकिन अभी ठीक करेंगे। आज सुबह चश्मा लगा भाई, रात में नहीं आ भाई, बोलिए बोलिए, मस्ती कर रहा हूँ अभी नहीं पहना भाई। क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह की विशेष देना चाहोगे भाई का बर्थडे? भाई देखो इतनी सारी विशेष लोगों भाई, हाँ सबसे पहले तो शादी कर ले अदनान, तेरी उम्र हो गई है, मुझसे भी एक साल बड़ा है और अल्लाह का एहसान है। देखो आज हम लोग कहाँ है और इंशाल्लाह अल्लाह और आगे लेके जाएगा और मेरे भाई को भी इंशाल्लाह, जो कि बहुत आगे। और हैप्पी बर्थडे ब्रो, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। देखो यहाँ पे दिख रहा है, आपने शादी करने वाले हो, आप कहाँ शादी करने वाले हो? अरे लोग बोल रहे करने के लिए, अभी आप लोगों को मिलने वाली है, बुला लो बुला लो, आ जाओ आ जाओ, देख लो बोल देगा तो थोड़ी सी जगह जल्दी कर ले, तो फिर उसके बाद इसकी बार ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगी सब की हो जाएगी। अफगान के बाद फैसल तो बहुत छुपाया है, बहुत छुपाया है, एक साथ छह सात शादी कर रहा हूँ इतना ज्यादा मत क्या बोलना चाहेंगे आप? तो भाई अभी तो मुझे टाइम है और बहुत काम करना बचा है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत सारे काम करने के बाद में शादी की प्लानिंग होगी। आप सभी को मैं बुलाऊंगा और इंशाल्लाह धूमधाम से शादी करेंगे। अदनान के लिए बस एक साल और इंशाल्लाह, इंशाल्लाह एक डेढ़ साल और अदनान, फिर अदनान के बाद में हम लोगों का नंबर है इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो जल्दी हो जाएगा और पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा ट्राई कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह, बहुत धमाल एंट्री होगी। आज अदनान एक रिटर्न गिफ्ट दिया है, एलवी यादव को चूड़ी गिफ्ट की है, आप किस तरह से रिएक्ट करने वाले हो इस पे, क्योंकि उनका कहना है काफी सारे वीडियोस उन्होंने बनाए, इसको पता ही नहीं है वो चीज के बारे में और ना तो मुझे कोई चूड़ी देखा हो मैंने अभी तक, क्या है वो खैर, बट आपके बेस्ट फ्रेंड ने गिफ्ट किया एलविश यादव को चूड़ी, तो आप किस तरह रिएक्ट करें, आपकी बात होने वाली है इस पे कि क्यों आपने चूड़ी गिफ्ट की है एज अ रिटर्न गिफ्ट? आपने पूरी कोशिश की है, पहले कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के लिए आपने पूरी कोशिश किया है बट मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैंने ना वो कोई चूड़ी देखा है और ना मुझे आपका कुछ सवाल समझ में आ रहा है, बट खैर अच्छा लगा गाइस, अदनान हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, मेरी जान आगे बढ़ और इंशाल्लाह तोड़ दे सब कुछ, सारे बैरियर्स तोड़ दे और अदनान की पहले मूवी आएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ऐसा नहीं है भाई की आएगी। आपका नाम काफी आ रहा है भाई, मेरे को पिछले चार साल से आ रहा है और मैं पिछले चार साल से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, क्योंकि मैं भी ना बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी चीज़ें अपने तक रखूँ और मैं ट्राई करूँगा जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैं पब्लिकली फेस कर सकता हूँ, इतने सारे कैमरास और एक घर में रह सकता हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस दिन मैं जाऊँ। आपने लास्ट ईयर प्रॉमिस किया था अपने फैंस को कि मैं भाई मैं प्रॉमिस हर साल अपने फैंस लोग को करता हूँ कि मैं अगले साल ट्राई करूँगा इंशाल्लाह, मैं फिर कोशिश करूँगा और जाने की पूरी कोशिश करूँगा, अंदर रह के दिखाऊँगा इंशाल्लाह। देखो बता दूंगा तो कैसा है ना, टोक लग जाती है हम लोग में। देखो मैं आपको बुलाऊंगा पक्का इंशाल्लाह। अच्छा खैर चल, वो खतरों के खिलाड़ी में आप एज अ गेस्ट गए हो, वापस से आपने स्टंट परफॉर्म किए, ये बहुत अच्छा सवाल है, मुझे अब तक का सबसे अच्छा सवाल लगा। तो गाइस मैं ये खतरों के खिलाड़ी में जो गया था इस बार एज अ चैलेंजर गया था, जो वहाँ के कंटेस्टेंट थे मैं उन्हें एक बार सेट कर रहा था टाइम का और उन लोग उसको बीट करते थे, तो आप लोग देखना है एपिसोड, भाई लोग तुम लोग भी देखना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है और बहुत फन है, आप लोगों को बहुत मजा आएगी। और मैं थैंक यू कहूँगा रोहित सर को और कलर्स टीम को कि आप लोगों ने इस काबिल समझा के लास्ट कंटेस्टेंट में से मुझे बुलाया और इस काबिल समझा के मैंने वो करके भी दिखाया। कौन आपको स्ट्रांग लगा था इस बार? कौन स्ट्रांग लगा था? मुझे स्ट्रांग तो मैं जब गया वहाँ पे तो मैं सिर्फ जो पांच कंटेस्टेंट थे जिनका उस दिन स्टंट था उनके साथ में मैं बीट कर रहा था, तो उन लोगों का स्टंट देखा मैंने, वो बहुत अच्छा कर रहे थे और बाकी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि डीनो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, खैर मैंने उसका स्टंट भी देखा, उसने बहुत अच्छा किया, डीनो है, अरजीत है और शिव भी अपना भाई,
उसका ध्यान थोड़ा सही नहीं है मगर उसका ध्यान सही हो जाएगा। मगर वो अच्छा है बहुत। गाइज अभी अदनान का बर्थडे है तो अब अदनान के बर्थडे के बारे में बात करते हैं ना। हाँ अरिजीत भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और डीनो भी बहुत अच्छा खेल रहा है, बाकी मैं किसी का बोल नहीं सकता और शिव भी अपना भाई है यार, बट खैर देखते हैं। अभी अभी आगे बात करते हैं। सब जीतेंगे सब। 07 का गाना कब आएगा? ये सबसे अच्छा सवाल चल रहा है। जब हंसते हैं सुबह जल्दी उठने लगेगा, वैसी गाना आ गया समझो, तो दोपहर में शूट कर देंगे। ये देखो हंसने ने दिया, अभी इस पे एक मीम बनेगा। अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फोटो मार लेते हैं अपन चारों। रुक जाओ फैसल फैसल।